हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आए हो, आप सब अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो गाइस, आज है जन्माष्टमी, सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और ये शिवू नहाने के लिए बोल रही है। आज बारिश आ रही है, बारिश का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ, बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है। अंदर कमरे में जाऊंगी तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा, इतना बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है। मार्केट से लेकर आऊंगी कुछ सामान, ठीक है? मैं भी जाऊंगी प्लेट, कैसे बोली है? तेरे को लेके नहीं जाऊंगी, बाहर बारिश हो रही है, भीग जाएगी। अच्छा ठीक है, मार्केट से सामान वगैरह लेकर आऊंगी, मिठाई वगैरह, फल वगैरह। हाँ, बारिश रुक जाए जब जाऊंगी। सुबह ला नहीं पाई थी, मैंने कहा दोपहर में लाऊंगी, धूप हो रही थी और एकदम देखे बारिश वगैरह हो जाती। कब मौसम चेंज हो जाए किसी को नहीं पता है। चलो और थोड़ी जो तैयारी है वो करूंगी अभी मैं। गंगा कर लीजिए, आज बच्चों की छुट्टी है 3-4 दिन के लिए, तो ये घर में ही रहेंगे। और गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए। शिवन्या सो रही है, किसी का वेट कर रही थी, और देखिए एकदम धूप निकल गई है बाहर, बहुत ज्यादा धूप निकल गई है। ध्यान रखिए, ये डॉलर हटे। ये देखिए, ये जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने क्या नाम है पीसा है मिक्सी में, फिर इसको देसी घी में फ्राई करा है हल्के हल्के आँच पे, और फिर इसको थोड़ा ठंडा करके फिर मैंने इसमें बूरा वगैरह मिलाया है। इस तरीके से मैंने ये बनाया है प्रसाद। यार चप्पल प्रसाद, तो गाइस आज हमारा बरात है, तो हम अभी बरात के अंदर है और घर में मिठाइयां रखते हैं बहुत सारी। हाँ, मिठाई वगैरह मैं सारी ले आई, सारे फल वगैरह ले आई जितने थे। और इसको मैं डाल देती हूँ, ये ले। यहाँ पे सही हो रही है, यहाँ सही हो रही है। और गाइस, इस प्रसाद में बादाम, जितने मेवे वगैरह होते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। तो मैं भी डालूंगी अभी थोड़ी देर में। मैं साबुत डालूंगी, मैं पीस के नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि हमारे जैसे साबुत खाते हैं जितने ये बच्चे हैं, मैं उसी हिसाब से डालूंगी। तुलसी मैया के पत्ते, हाँ, तुलसी मैया जो होते हैं, तुलसी मैया के पत्ते डालते हैं इसमें। और बाकी की तैयारी मैं अभी और दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छी सी दिख रही है ना? अरे बाप रे, मजे आगे देख के भूख लग रही। और गाइस देखो कितनी बढ़िया पनीर की सब्जी बनी है, मेरा तो खाने का ही एकदम ना देख के ललचाएगा मन, और एकदम ऐसा मन करेगा जैसे अभी खा लूं। मैं तो अभी खा लूंगा। सब्जी दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर मैं पूरी वगैरह है वो बनाऊंगी, तो पूरी वगैरह मैं बाद में बनाऊंगी जब पूजा वगैरह हो जाएगा। और पनीर की सब्जी एकदम इतनी बढ़िया बनी है आज, बहुत ज़्यादा एकदम मन कर रहा है अभी खा लूँ, लेकिन नहीं, पूजा करने के बाद ही खाऊंगी। देश है, देश में ही वर्त रखा था, वो कह रहा है अगर मैंने नहीं रखा होता है तो मैं खा लेता, लेकिन अब ये भी पूजा करने के बाद ही खाना खाएगा। लेकिन आज पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, कलर भी एकदम बहुत बढ़िया आ रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, जैसे बिल्कुल होटल में बनती है ना उस टाइप में आया बिल्कुल कलर। और बिल्कुल आज मैंने भर के भी बनाई है, आज ही भगवानी की गई। और
गाइस अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि घर का सारा काम हो चुका है, क्योंकि 11:30 के करीब हो चुके हैं, तो 12 बजे से पहले पहले मुझे पूजा की तैयारी करनी है। जितना भी पूजा का सामान होगा मैं सारा ला कर यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि हम हमेशा पूजा यहीं पर करते हैं। और बच्चे वगैरह गए हुए हैं बाहर अभी जन्माष्टमी वगैरह देखने के लिए, तो वही मैं और हितेश दोनों ही हैं, तो हम लोग दोनों ही मिलके तैयारी कर रहे हैं। तो और भी ज्यादा आ रही थी। आप इधर ऊपर चला। और गाइस शिवन्या जो है बार बार अपने पापा को बता रही थी पूजा ऐसे करो पापा वैसे करो, तो बहुत ज्यादा मतलब ये बोलती है और क्या नाम है ध्यान रखती है कि किस टाइप में मतलब मैं पूजा करती हूँ, तो उसी टाइप में ये बता रही थी। और बाकी हम लोगों ने तो पूजा कर ली है, अब रह गया खाली क्रिस, वो भी है वो भी पूजा करेगा अपने पापा के बाद। और शिवन्या ने तो 2 बारी पूजा कर ली है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और क्योंकि हम लोगों को अब ऊपर भी जाना है, क्योंकि चांद वगैरह जैसे देखते हैं उनको अर्घ देने के बाद, जब भी हम लोग प्रसाद वगैरह जो है खाएंगे, मैं और हितेश हम दोनों ने ही रखा है घर पे। और यहाँ पर कान्हा जी की पूरी पूजा वगैरह हो चुकी है, अब हितेश गया है ऊपर छत पर, वो दे दे पीना मैंने बना लिया है और अब मैं खाने के लिए जा रही हूँ। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय गाइस। और ये है मेरी थाली जो कि अब मैं खाऊंगी।